हरदा के त्रिपाठी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान लापरवाही की शिकायत के बाद जांच की गई तो नर्सिंग होम में पंजीयन और संबंधित कागजात की कमी पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने त्रिपाठी नर्सिंग होम को सील कर दिया। दरअसल मामला हरदा के त्रिपाठी नर्सिंग होम का है, जहां बीते माह 27 दिसंबर को इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी और परिजनों ने डॉक्टर राहुल त्रिपाठी पर गलत इलाज के कारण प्रवीण पवार की मौत होने का आरोप लगाया था और नर्सिंग होम में हंगामा किया था, जिस पर पुलिस ने डॉक्टर राहुल त्रिपाठी को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। तब मामला शांत हुआ था। प्रशासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाकर जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। आज फिर नर्सिंग होम ने पीलिया खाल निवासी राजेंद्र पिता मूलचंद खेतवास की इलाज के दौरान मौत हो गई। नर्सिंग होम में हंगामा होते देख प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए त्रिपाठी नर्सिंग होम को सील कर दिया, जबकि गलत इलाज के मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पर कार्यवाही की जाएगी। हरदा से नुसरत अली की रिपोर्ट। हाँ सर, बताइए, आज त्रिपाठी हॉस्पिटल सील किया गया, किन कारणों के चलते? ये जो भी चला रहे थे नर्सिंग होम, इनके पास परमिशन नर्सिंग चलाने की नहीं था। ये भी शटअप मैंने पहली बार देखा है कि नर्सिंग होम चल रहा है बिना जानकारी के, है इनके पास कोई लाइसेंस नहीं इस बात का और चला रहे। सर पहले भी जांच की थी चीमो साहब ने जी, तो इसे इसमें कुछ चीज़ें कमी पाई गई थी जी, तो तब भी बंद करने का था लेकिन अब तक की नहीं, तो उसमें आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसमें? उसके लिए प्रोसीडिंग चालू थी, एक दो दिन में बंद होना था, तब तो ये सिंगल इंसिडेंट हो गया। नियम के विरुद्ध उन्होंने फिर भी काम किया, तो उसके पे उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? नियम के विरुद्ध अभी जांच होगी, मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या नियम रुद्ध हुआ है, अगर ऐसा कंफर्म निकलता है तो FIR भी होगा। जैसे परिवार वालों का आरोप है जो डेट हुई है डॉक्टर की लापरवाही से, तो क्या निश्चित नहीं सर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही से डेट हो सकता है? पार्टी हॉस्पिटल आप लोगों के द्वारा सील किया क्या 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 पुलिस TI के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ पे आज एक व्यक्ति की डेथ हुई और एक तारीख को एक और डेथ हुई थी, इस कारण से पब्लिक एजिटेशन है। पुलिस ने कायम किया था और हमें उचित कार्रवाई हेतु यहाँ पे लिखा था। CMHO साहब ने जाँच करी थी, उसमें इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह में प्रॉब्लम्स मिली हैं और उसको देखते हुए CMHO साहब यहाँ पे हैं, हम हैं, हमारी टीम है, पुलिस की टीम है, हम लोगों ने इसमें सील करने की कार्रवाई की। कितने महीनों से रिन्यूअल नहीं करवाया था? जो अभी जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार मार्च 2021 के बाद से ये रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है अभी तक। पूर्व में CMHO ऑफिस से इनको आवेदन दिया था, नोटिस दिया था, उसके बाद में भी पूर्व में CMHO ऑफिस से दिया था, तो उसकी जानकारी वही दे पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।